कैसे 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 कैसे। श्री व्यास भोजनम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मन् दिबाहुरपरो हरि अभाललोचना शम्भुर् भगवान् वादरायण। शुकुरु प्रप्रबोधज्ञान सर्वशास्त्र विशारदां एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्ने सूर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आइए हम सभी भागवत जी की पावन आरती का गायन करें। श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कुमनाऊं। वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कुमनाऊं। मोर मुकुटी तेरे शीश पे सोए मोर मुकुटी तेरे शीश पे सोए प्यारी मुरली मेरो मन मोहे प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं तो वले वले जाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीस नवाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती व्यास दासी की नाथिया पियो व्यास दासी के नाथिया पियो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि को मैं तो मन में बसाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रजाऊं। देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम। हरि ओम जतनेन जतनमय जंत देवास्तानि धर्मा विप्रतमान न्यासन्नाते हनाकं महिमानः शचंत जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। हरि ओम
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्वो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। कुलिबालकृष्णलाल की जय। श्रीवेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। सभी भक्त अपने स्थान को ग्रहण करें और भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस पावन त्रिवेणी में अपने मनोमालिन्य को दूर करने के लिए आइए हम सभी व्यास जी महाराज के सानिध्य में चलें और उनसे निवेदन की आज की पावन कथा का रसपान हम सब भक्तों को करा के हमारे हृदय को वृंदावन के समान निर्मल बनाएं और राधा माधव को हमारे हृदय में स्थापित करें। आइए हम सब व्यास जी के सानिध्य में चलें। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। अलवेली सरकार की। श्री हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री हरि। श्री हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री हरि। श्री हरि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यैत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंशी विभूषित करा नव निरदाभा पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मुरी स्वामिनी मेरा धे तेरो दास जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन धाम को वा। सब द्वारन को छोड़ के निमै आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। ओ श्यामा प्यारी कुंज विहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा जगत निराली हो तेरी महिमा जगत निराली हो तेरी लीला जगत निराली हो। श्यामा प्यारी कुंज हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज विहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी जय
जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, तेरी महिमा जगत निराली हो, तेरी महिमा जगत निराली हो, तेरी लीला जगत निराली, तेरी लीला जगत निराली हो, जय जय श्री हरिदास दुलारी, करते हुए
जगत निराली तेरी लीला जगत निराली तेरी श्यामा श्यामा पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे निताई गौर हरि वो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु चरिद्विति विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय संत जन परम वंदनीय विद्वत जन श्रद्धामयी भक्तिमती मातृशक्ति एवं गोविंद की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले समस्त संगीताचार्यगण समस्त श्रोता गणों को विश्राम दिवस की इस कथा में
बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कृष्णचंद्र जी शास्त्री ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हुए पूज्य माता पिता को वंदन करते हुए बड़ी प्यारी ये भागवती गंगा जिसमें विगत षष्ठम दिवसों से गोता लगा रहे हैं। आज विश्राम दिवस आ गया है, सात दिन की कथा, क्योंकि हमारे जीवन में कभी आठवां दिन आया ही कहां। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, सात दिन की कथा नहीं, सात दिन का जीवन। सात दिन का जीवन नहीं, सात दिन का भजन। सात दिन का भजन नहीं, सात दिनों का पूजन। सात दिनों में मरण, सात ही दिनों में प्रार्थना, सात ही दिनों में किए जाने वाले पुण्य, इन्हीं सात दिनों में किए जाने वाले पाप, इन्हीं सात दिनों में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म हमारे साथ ऊपर जाते हैं और कुछ नहीं जाता। चिंता का विषय ये नहीं कि व्यापार कैसे चलेगा, परिवार के लोगों को आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। चिंता का विषय तो ये है कि समय निकला जा रहा है और भजन नहीं कर रहे। बहुत प्रयास किया, हे गोविंद तुझे पाने का बहुत प्रयास किया, मन नहीं मानता। प्रभु की भक्ति करने का सरल उपाय, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिप सहिष्णुना अमानीनामान देन कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तिनके से छोटा समझो, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। वृक्ष के तरह सहनशील बनो, बाढ़ आए, तेज हवा आए, भूकंप आए, वो तो उधर ही खड़ा है। गिर भी जाते हैं बहुत से जो कमजोर होते, लेकिन सहनशीलता वृक्ष की तरह। हजारों पत्तों से सुसज्जित रहता है,
हजारों फलों से सुसज्जित रहता है, लेकिन उसकी एक खास बात है, फल न हो तो छाया देगा, पत्ते न हो छाया न मिले तो उसकी लकड़ियां डालियां काम आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वृक्ष के तरह सहनशील और बंधुओं, फल उसे ही सबसे पहले देता है जो उस वृक्ष में डंडा मारता हो। अमानी ना मान दे, सम्मान उसका भी करो जो सम्मान के काबिल न हो, वो भी योग्य है, वो भी भूखा है आपके सम्मान को पाने का, वो भी कदाचित उसे भी सम्मान दो। सामने वाला बुरा है तो हम अगर उसके सामने बुरा बने तो उसमें और हम में फर्क क्या? अच्छे के सामने अच्छे बनकर के रहो, लेकिन बुरों के सामने बुरा न बनो, क्योंकि हम पानी से तो खून साफ कर सकते हैं, खून से खून साफ नहीं किया जा सकता। जल के तरह, जल को देखा ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाता है, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा। जिस परिस्थिति में रखोगे, जिस प्रकार से रखोगे उस प्रकार से रहेगा, ये जल की विशेषता है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण का विवाह हुआ, रुक्मणी पहली पत्नी, अब तो लाइन लग गई है, जाम्बवती सत्यभामा कालिंदी मित्रवृंदा नग्नजीति भद्रा लक्षणा, आठ पटरानिया, भौमा सुर के कैद से 16,100 को छुड़ाया तो 16,108। पत्नियां, बताओ कोई मजाक है? लोगों से एक नहीं संभलती? प्रेम से बोलो राधे राधे। एक को समझने में 16,108 समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन वो 16,108 को संभालने के बाद भी एक समस्या नहीं आने देता। यही तो ठाकुर जी की लीला है। कोई आपसे पूछे कि भगवान कौन, तो बोल देना जिसकी 16,108 पत्नियां वो भगवान, या जो 16,108 को भी संभाल सके वो भगवान। सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियों से विवाह करना छोटी बात तो हो ही नहीं सकती, लेकिन धन कमाना उतना कठिन नहीं है जितना धन को संभाल के रखना कठिन है। उसी प्रकार पत्नी के साथ में विवाह तो कर लेना आसान होता है, धन दौलत अगर हो तो बड़े विराट विशाल रूप में कर सकते हो आप, लेकिन पारिवारिक जीवन धन से नहीं मन से चलता है।
संबंध वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, स्वभाव से जोड़े जाते हैं। जरासंध का उद्धार करवाया भीमसेन के द्वारा। गोविंद ने तिनका लिया और भीमसेन को दिखा रहे हैं कि तिनके को बीच से तोड़ो और ऐसे फेंको। जब ऐसे फेंकने को कहा तो भीम दादा वीर तो थे, बलवान तो थे, लेकिन एकाग्रता नहीं है। ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं है, क्योंकि सत्संग में कमजोरी। अर्जुन से अगर कही जाए कि पेड़ पर बैठे हुए चिड़िया के नेत्रों पर निशाना लगाना है, तो महाराज उसे पेड़ नहीं दिखेंगे, उसे वो चिड़िया नहीं दिखेगी, उसे उस चिड़िया के नेत्र ही दिखेंगे। बस बुद्धि का होना अच्छी बात है, ज्ञान का होना बहुत अच्छी बात है, विवेक भी आ गया, आहा क्या कहे महाराज, लेकिन एकाग्रता नहीं हो। लक्ष्य के प्रति केंद्रित ना हो तो किसी लक्ष्य को पा नहीं सकते आप। चाहे कुछ भी करो सज्जनों, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जीवन एक साइकिल की तरह है, इस जीवन के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए आपको जीवन रूपी इन पहियों को बढ़ाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, नहीं तो कृपा नहीं बरसेगी जल्दी। भीमसेन बलवान तो थे लेकिन एकाग्रता नहीं थी, तो जरासंध को बीच से भाग तो कर दिए, लेकिन ऐसे फेंका था, कन्हैया ने दिखाया लेकिन भीमसेन ने देखा कि ऐसे ही फेंक दिया, और भीमसेन ने जैसे ही फेंका जरासंध फिर जुड़ गया और दो गुना कुटाई हो गई भीमसेन की। रात को कन्हैया के पास लाला, मारी खिलवाना था तो ऐसे ही बोल देते महाराज, खा लेते, ये इतना ड्रामा करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। अरे भीम दादा मेरी ओर देखते तो हो, ध्यान से नहीं देखते। बोले क्या मतलब? बोले कल फिर आना। गोविंद चाहते तो उसी समय अपने मुख से कह देते, ऐसे करना है आपको, फिर ऐसे करना है, लेकिन मेरे प्रभु ने क्यों नहीं कहा कि तू जो आए एक पग मैं आऊ पग साठ, तू जो करड़ी काट सी तो मैं लोहे की लाठ। तू जो आए एक पग मैं आऊं पग साथ,
गोविंद कहते हैं कि मैं उन्हें मार्ग बताऊंगा, चलना तो तुम्हें पड़ेगा भाई, सब काम मैं ही कर दूं तो फिर एक भगत अपने जीवन को जब खूब वैभव संपत्ति से भर करके चला रहा था, तो वो साथ अपने पत्नी अपने परिवार अपने बच्चों को लेके चलता, खूब वैभवशाली, श्री कृष्ण के प्रति इतना भरोसा था उसका कि कुछ भी होगा तो कन्हैया है संभालने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरे कन्हैया ने उससे आके कहा, सुनो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हर समय में मैं तुम्हारे साथ हूं छाया के रूप में। तो उस भगत ने कहा कि मुझे कैसे पता लगेगी बात। बोले चलो ठीक है, तुम चलोगे तो तुम्हारी छाया भी दिखेगी और उस छाया के साथ साथ तुम्हें एक और प्रतिबिंब दिखेगा, उसी के पीछे एकदम वो मेरा होगा। तुम समझ जाना ठाकुर जी मेरे साथ चल रहे। और वो भगत जब तक धनवान था तब तक ठाकुर जी का प्रतिबिंब उसे अपने छाया के पीछे दिखाई पड़ता। लॉस हो गई उसके, ऑफिस में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत कम हो गए, पैसे ही नहीं है महाराज, क्या करूं अब, दुखी हो गया, पारिवारिक चिंता, बच्चों के स्कूल की फीस कहां से दूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां से लाऊं? तो उसने देखा क्या कि वो रास्ते पर जब चल रहा था तो छाया और प्रतिबिंब जो उसे उस समय दिखाई पड़ता जिस समय वो धनवान था, इस समय केवल एक प्रतिबिंब दिख रहा है। छाया या प्रतिबिंब दोनों एक ही बात है, लेकिन एक ही व्यक्ति का दिखाई पड़ता। तो उस व्यक्ति ने मेरे प्रभु को बहुत अपशब्द कहे। बोले क्यों, जब सुख में कदाचित मैं भरा हुआ था धनों से, मेरे परिवार के लोग बेचारे खुशहाल थे, तब तो तुम थे मेरे साथ, और अब जब मेरे पास कुछ रहा नहीं तो तुम छोड़ के चले गए, केवल मैं अकेला चल रहा हूं अब मार्ग में, तुम्हारी छाया तुम्हारा साथ मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुमेरे प्रभु बांके बिहारी ने प्रकट होकर के उसके सामने, अरे पागल, सुख में मैं आऊं और दुख में न आऊं, असंभव, ये तो दुख में आकर के तुम्हारी परिस्थिति इतनी विचित्र हो गई, इतनी जटिल हो गई, कि तुम चलने योग्य भी नहीं रहे, और चलोगे नहीं तो छाया दिखे कैसे तुम्हें अपनी। तो बोले फिर आपको वो छाया नहीं दिखाई पड़ती, वो छाया है किसकी? बोले वो तो मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा के चला रहा हूं। प्रेम से बोलो, ये मेरा कमाल है। बंधुओं, व्यक्ति के ऊपर
चाहे कितनी परिस्थितियां जटिल क्यों ना आ जाए, उन जटिल परिस्थितियों से लड़ करके व्यक्ति को एक चीज की प्राप्ति होती है और उसका नाम है आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और ये जब तक नहीं होगा, अपने मुख में उस राधा के श्याम के नाम को रखो, उस मीरा के श्याम के नाम को अपने मुख पर रखो, तभी उद्धार होगा महाराज, नहीं तो नहीं होगा। युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया, जिस यज्ञ में द्रौपदी ने भोजन परोसा, पत्तल परोस रही है, भीमसेन भोजन डालते, आपको पता है कर्ण और दुर्योधन भंडार संभाल रहे हैं, श्री कृष्ण ने आने वाले समस्त मेहमानों के जूते चप्पल की जिम्मेवारी रखी, और उसी यज्ञ में द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत छिड़ गया। जीवन को तपस्या बना करके जियो, तमाशा हर कोई बनाता है। कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो बंधु। प्रत्येक परिस्थिति में श्री राम के नाम का स्मरण हो, श्री कृष्ण के नाम का गान हो, तभी कृपा बरसेगी महाराज। प्रेम से बोलो। कहते हैं रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। अरे महाराज ताली बजाओ,
विश्राम दिवस की कथा है। राधा और श्री कृष्ण के नाम को गाओ प्रेम से ताली बजाते हुए। हरि बोल। ताकत जुदा ना करे कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे मिले जो मुझे राधा राधा कहे 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 मुझे तो न जीने न मरने से काम ओ राधा के श्याम ओ मेरा कैसा मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम के नाम को गाने वालों को लोग पागल कहते हैं तो एक बात याद रखना भैया भगत तो पागल ही हो सकता है। किसी ज्ञानी को मैंने भगत होता देखा नहीं है लेकिन भक्त होकर के वो ज्ञानी जरूर हो गया है कि इन्हीं बिगड़ी दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं इन्हीं बिगड़ी दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं कि इन्हें पागल ही रहने दो ये पागल ही अच्छे हैं महाराज। को कोई अब दीवाना कहे चाहे मुझको कोई अब दीवाना कहे चाहे मुझको कोई अब दीवाना कहे चाहे मुझको कोई दीवाना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे रटू मैं तेरा नाम सुबह और शाम राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम Oh, oh, oh.
चरणों में मुझको बसा लो प्रभु, चरणों में मुझको बसा लो प्रभु, अपने चरणों में मुझको बसा लो प्रभु, और अपना तुम मुझको बना लो प्रभु, और अपना तुम मुझको बना लो प्रभु, और अपना तुम मुझको बना लो प्रभु, और अपना मुझको बना लो प्रभु, मुझको मिला दो श्यामा और श्याम राधा के श्याम मीरा के श्याम, मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम, चाहे मुझको कोई अब दीवाना कहे, मुझको कोई अब दीवाना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे, चाहे मुझको कोई अब दीवाना कहे, मुझको कोई अब दीवाना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे, तो न जीने न मरने से का ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, राधा के श्याम ओ मीरा के राधा के श्याम मीरा के श्याम, इन नजरों ने तेरी दिलासा दिया, 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 तूने मुझको अपना बना ही लिया, 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 मैं तेरा नाम सुबह और श्याम राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम, मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम,
राधे मेरे मुख में सदा तेरा नाम हो राधा के श्याम मीरा के श्याम हो राधा के श्याम मीरा के श्याम हो राधा के श्याम प्रेम से बोलो राधा रानी के नाम को गाओ स्मरण करो बार बार एक बार नहीं बंधुओं जब तक राधा रानी मिल न जाए और मिलने के बाद भी गाओ करोड़ों की संपत्ति हाथ लगने के बाद भी व्यक्ति जिस प्रकार से और करोड़ों को पाने की लालसा रखता है उसी प्रकार प्रेम से बोलो सुंदर भाव बंधुओं इतनी कृपा बरस रही है शुकदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं राजन एक कथा सुनाने का मेरा मन कर रहा है अद्भुत है सुंदर कलावती का आनंद है कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम् विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया कृष्णस्यासी सखा कश्चित् भगवान श्री कृष्ण के एक सखा है नाम क्या है बोले नाम से क्या करोगे खीर खानी है नाम को नहीं काम को देखो गुणों को देखो अच्छा तो गुणी बताइए महाराज क्या गुण है बोले सबसे पहला ब्राह्मणों ब्राह्मण ओहो ब्राह्मणों में भी कैसा ब्राह्मण बोले ब्रह्म वित्तम जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो और बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु इंद्रियों में जिसकी विरक्तता कामना नहीं है कोई चाह नहीं है हमारी जिह्वा चाहती है कि हमें वो भोजन मिले जो गोविंद को भोग लगाने योग्य हो न हो हमें फर्क नहीं पड़ता जिह्वा चाहती है तो हम जाते हैं प्रेम से बोलो इन इंद्रियों को वश में किया है उस मित्र ने धन के प्रति वैभव के प्रति संपत्ति के प्रति ऐश्वर्य के प्रति लालसा नहीं प्रशांत आत्मा अपनी आत्मा में प्रसन्न रहने वाले
शांत रहने वाले, सहज रहोगे तो सुलझे हुए रहोगे। कीप इट सिंपल, एक सूत्र अपने जीवन का बनाओ। एक सूत्र, ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। अरे मौज करो लेकिन शांति पूर्वक जीवन को बिताओ। ज्यादा धन के प्रति लालसा तो ध्यान रखना, जितना बड़ा सर उतना बड़ा सरदर्द। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ काम नहीं आएगा। जन जमीन जर जेवर कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। एक रुपए का सिक्का तक नहीं ले जा सकते और करोड़ों को अपना बताते हैं। हमारे किए गए कर्म ही हमारे साथ ऊपर जाएंगे, बंद हो और कुछ नहीं जाएगा। ध्यान रहे इस बात का। लेकिन इस सखा के जो कर्म है, जितेंद्रिय देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, इस इंद्रियों के घोड़े वो लालसा ना हो, भाग दौड़ ना हो, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, ये रुके रहे एक जगह पर, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, इस शरीर को सत्कर्म में लगाओ, सुंदर मार्ग में लगाओ और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर तुम ये भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जरा प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या चरित्र है महाराज, नाम भी बता दिया, श्रीदामा। श्रीदामा जिसके दामन को श्री यानी माता लक्ष्मी ने थाम रखा है, पकड़ रखा है, या श्री भी जिसके दामन को देख करके वाह मेरी लालसा है ही नहीं, इसके चित्त में तो गोविंद है, बांके बिहारी है, मैं नहीं हूं। हम धन के पीछे भागते हैं तो धन भगाती रहेगी, माता लक्ष्मी के पीछे उनको पाने की कामना करोगे। सब लक्ष्मीकांत बनना चाहते हैं, सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति तो एक ही है, एक ही रहने दो महाराज। लक्ष्मीदास कोई नहीं बनना चाहता। बनना है तो किसी के पति नहीं, दास बनो। सूर सूर तुलसी शशि, सूर्य के समान वो सूरदास, चंद्रमा के समान ये तुलसीदास। आज इन्होंने किसी विद्यालय का मुख देखा नहीं देखा, लेकिन कृष्ण की भक्ति करके लोगों के हृदय को
आनंदित नहीं किया क्या? सूरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी को दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी उनके शिष्य या जो भी लोग मंदिर में बिहारी जी के स्वरूप को तैयार करते, वस्त्र पहनाते, सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, फिर भी बता देते प्रभु आज कैसे दिख रहे हैं। तो शिष्यों ने आज सोचा कि छोड़िए, आज इनकी परीक्षा लेते हैं, आज प्रभु को कुछ पहनाया ही नहीं। बोले अब बताओ कैसा है स्वरूप इनका? तो सूरदास जी ने, आहा, आज हमारा ठाकुर तो राजा लग रहा है। बोले माने? बोले आज हरी देखे नंगम नंगा। हृदय में तरंग उठ गए, क्या रूप है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, सूरदास जी के साथ में तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी ने कहा, दोनों जानते तो हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संतों का भाव है, संतों के ये विनोद भरी बातें लीला। तुलसीदास जी ने कहा, सूरदास जी, क्या कृष्ण 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 कहते हो भैया, राम राम की शरण में आओ। सूरदास जी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे गोपाल जी श्रेष्ठ है। ना, हमारे सीताराम श्रेष्ठ है। तो तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लाओ तराजू मंगाया जाए, हम अपने भगवान के नाम को लेकर के बैठेंगे, आप अपने भगवान के नाम को लेकर के बैठना, जिसमें वजन ज्यादा उसी का भगवान श्रेष्ठ। ठीक है। अरे भाई, दोनों जानते हैं इस बात को, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता, तो कृष्ण के नेत्रों में चपलता, बाकी अंतर क्या है? एक समान, कोई राम जी के मस्तिष्क के ऊपर से स्वर्ण के मुकुट को हटाओ, कृष्ण के माथे से मोर मुकुट हटाओ, राम जी के हाथों से धनुष बाण छीन लिया जाए, कन्हैया के हाथों से बांसुरी ले ली जाए, कोई नहीं बता पाएगा कि राम कौन है और कृष्ण कौन है। तुलसीदास जी ने कही, तराजू लेके आओ, अपने अपने प्रभु के नाम को बोल के बैठेंगे, जिसमें वजन ज्यादा उसी का भगवान श्रेष्ठ। तुलसीदास जी, जय हो मेरे सीताराम, बैठ गए। सूरदास जी महाराज भी, जय हो मेरे गोपाल जी, वो भी बैठ गए। अब जैसे तराजू से तोला तो महाराज, तुलसीदास जी तो नीचे आए और सूरदास जी गए ऊपर। भाई वजन जिसमें होगा वो झुकेगा। तुलसीदास जी हंसने लग गए, देखा बोलते थे ना हमारे राम जी श्रेष्ठ है। बाबा लाइन पे आ जाओ, मानते नहीं थे, बात देख लिया। प्रेम से बोलो राज राधे। अब सूरदास जी के साथ तो कन्हैया उनको अपने हाथों से भोजन कराते, सूरदास जी गाते और कन्हैया बगल में बैठ के सुनते। सूरदास जी जब हार गए बाजी तो नाराज हो गए, उदास, अपनी कुटिया में बैठ करके। तो कन्हैया आए बगल से, बाबा क्या बात है, भजन नहीं गाओगे क्या? बोले बात मत करो,
क्यों बाबा? हमने कहा कियो, कहना बात मत करो। अरे का बात की नाराजगी है? बोले आज पता चला, रोज रोज तानपुरा पकड़ के तुम्हारे नाम को गाता हूं, ये गलती है? गला फाड़ फाड़ के इतना गाता हूं, ये दिन देखने के लिए? बोले क्या हुआ? बोले जरा सा वजन नहीं बढ़ा सकते थे उस टाइम? तुलसीदास जी ने मुझे हरा दिया, कितना बुरा लगा। थोड़ा सा वजन बढ़ा देते, 7 बरस के होके गिरिराज जी को उठा सकते हो, अगासुर को मार सकते हो, कंस को पटक सकते हो, कोलिया पीड़ाती को मार सकते हो, वजन नहीं बढ़ा सकते। अरे बाबा जा में भी तुम्हारी गलती है, प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले हाँ गलती तो है ही, जो तुम्हें बज रहे हैं गलती क्यों नहीं है? बोले ना गलती आपकी है। कैसे कैसे? बोले क्या हुआ था वहां पे जरा फिर से बताना। बोले हुआ यूं कि तराजू में वो बैठ गए अपने सीताराम के नाम को लेके, मैं बैठ गया गोपाल जी के नाम को लेके, वो नीचे और मैं ऊपर, हार गया। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा किया, बाने किनको नाम लियो? सीताराम। तुलसीदास जी भी थोड़े रिष्ट पुष्ट, माता सीता भी और राम जी भी बड़े, और तीन एक तराजू पे, और तुमने क्या कही? बोले जय हो मेरे गोपाल जी। तुम भी सूखी काट से, और गोपाल जी कौन से बड़े होंगे महाराज, वो भी तो छोटे से ही होवे। फिर भी हम दो वो तीन कैसे जीतोगे? सूरदास जी ने कहा ओ हो कन्हैया गलती हो गई। बोले और नहीं तो क्या, तुम भी राधा कृष्ण बोलते तो हम दिखाते जोर अपना। रुक्मणी कृष्ण बोल देते तब दिखाते जोर अपना। गोपाल जी कहा है भैया सीताराम जी के सामने, इतनों से गोपाल जी और सीताराम जी भई इतने। सूरदास जी ने कहा गलती हो गई। गए तुलसीदास जी की कुटिया में, बोला बाबा। बोले आओ आओ सूरदास जी, आ गए लाइन पे, कहोगे ना सीताराम? बोले वो सब तो चलो बाद में डिसाइड होगा, पहले तराजू लाओ। बोले क्या मतलब? बोले मतलब यही है कि फिर से तोलेंगे हम। तुलसीदास जी ने कहा सुनो बाबा जी, मुझे सब पता है किसने तुम्हें पढ़ाया है और कहां से पढ़ के तुम आए हो। राम कृष्ण दो एक है, गले से लगाया है महाराज। संत हृदय नव नीत समाना, संतों का स्वभाव अनिर्वचनीय, कहने योग्य सुनने योग्य है, श्रवण करने योग्य, अरे मुक्तिदायिनी योग्य है। संत का अगर दर्शन हो गया तो श्रीदामा जी भी कुछ ऐसे ही है, सब जानते हैं घर में कुछ नहीं है। सूर्य नारायण की रोशनी घर के कण कण में प्रवेश कर रही है, छत नहीं है क्योंकि पड़ोसी के घर का पानी उनके घर से होके जा रहा है। अन्न का दाना नहीं, साबुत बर्तन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, ओढ़ने को चद्दर नहीं,
लेकिन किसी से कुछ मांगा हो श्रीदामा जी ने कभी नहीं सुना। मांगन मरण समान है, कौन मांगे? श्रीदामा जी। बोले जो दिया वो उसकी कृपा, जो नहीं दिया उसकी इच्छा। लेकिन ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिम्। के ब्रह्मन् यश्च शरण्यश्च सखा सात्वदर्शम। श्रीदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा, बोले कहीं से मुझे खबर पड़ी कि द्वारका के जो नाथ हैं आपके सखा रह चुके। श्रीदामा जी ने कहा, सखा? ओ हो देवी, किसकी याद दिला दी आज, मेरा लंगोटिया यार है। अपने हृदय में बसा करके, अपने चित्त में लगा करके समाय कर रखा है मैंने, बसा कर रखा है। बोले तो आप जाओ ना उनसे मिलने, कुछ दे देंगे वो आपको। बोले देवी दोबारा मत कहना। मेरा बचपन का सखा, मेरा लाडला कन्हैया, मांगने जाऊं उसके द्वारे? राम राम, नहीं नहीं, मांगने में भक्ति कमजोर होती है, उसे भक्ति नहीं कहते जिस भक्ति के बदले हमने उससे कुछ मांग लिया। 10 रुपया देकर के सामान खरीद रहे हो, उसकी प्रार्थना करके कुछ मांग रहे हो, क्या फायदा हुआ? तो मजदूर है महाराज, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैंने अगर तुझसे मांगने की गलती कर भी दी ना ठाकुर, मुझे देने की गलती मत करना, नहीं तो मुझ में और एक मजदूर में क्या अंतर है? 100 रुपया देकर के ये सामान लिया, तेरी भक्ति करके, तेरी प्रार्थना करके तुझसे ये मांग लिया, बस इसमें भक्ति का है? कोई इनसे योग मांगता है तो योग दे देता हूं, प्रभु कह रहे योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे टारू, भगत तो लेन न देन करे कछु, बाको न टारियो जाए। कोई मुझसे योग मांगता है तो योग दे देता हूं, ले जा भैया छुट्टी। कोई मुक्ति मांगता है, लो मुक्ति भी ले जाओ। लेकिन भगत वो तो कुछ मांगता ही नहीं है, तो उससे मैं भेजूं भी कैसे? वो तो चिपका हुआ रहता है, पास में रहता है, छोड़ के नहीं जाता, और मैं छुड़वाऊं भी कैसे? भैया वो कुछ मांगता ही नहीं है, और वो कुछ मांगे नहीं तो मैं उससे दू क्या, और उसे दू नहीं तो वो जाए कैसे, और वो जाए कैसे तुम मुझे? मेरे साथ रहता है, छोड़ता नहीं है, क्योंकि भगत कहता है मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए महाराज। श्रीदामा जी ने भी यही कहा, प्रेम से बोलो राजराज, धन की लालसा नहीं है, देवी अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन।
उस उत्तम श्लोक कृष्ण का दर्शन करने के लिए मुझे वहां जाने की दरकार नहीं, मेरे हृदय में है। सुशीला ने कहा मेरे लिए चली जाओ, मैंने नहीं देखा और मैं आपके आधे अंग की मालकिन हूं, आप देख लोगे तो मेरा देखना हो जाएगा। सुनो, कुछ मांगने के लिए नहीं भेज रही हो, माफ करना गलती हो गई। सुशीला जानती है ये जाएंगे ये तो मांगेंगे नहीं वो तो देगा, ये तो बोलेंगे नहीं वो तो देखेगा। प्रेम से बोलो, सुदामा जी जा रहे हैं। मार्ग में जाते हरी बोल, संतों के साथ हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, के साथ जाते मार्ग में समय लग जाता, महीना 15 दिन 20 दिन लग गया। महाराज भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, जिंदगी आश भी अब निराश लगती है, कैसे आऊं। बहुत दूर है, नदी पड़ गई, कन्हैया केवट बन करके आए, परीक्षा ले रहे, देखू तो सही कि मेरा मित्र है कैसा, बदल गया क्या। केवट नाव चला रहे हैं प्रभु धीरे धीरे, प्रेम से बोलो राधे राधे, धीमे धीमे नाव चला रहे गोविंद। वार्तालाप, कन्हैया ने पूछा कहां जा रहे हैं, बोले वो द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण है ना, मेरा सखा है परम। अच्छा अच्छा अच्छा, द्वारिका के नाथ आपके सखा। जैसे ये सुना तो कन्हैया सुदामा जी के कपड़ों को देख रहे, किसके सखा, द्वारिका के नाथ आपके सखा। महाराज तन पे नहीं लगता और चल दिए कलकत्ता, फटे फूटे वस्त्र आपके और द्वारिका का नाथ आपका मित्र, के बात करो थे। बोले महाराज कन्हैया, प्रेम से बोलो राधे राधे, वो वस्त्र धन मन हाँ सुंदरता, इन सब में से सिर्फ मन देखता है, न वस्त्र न धन न सुंदरता न संपत्ति न वैभव न ऐश्वर्य, तुम जानते नहीं हो अपने द्वारिका के नाथ को, मैं जानता हूं मेरे सखा को, धन नाय देखे वस्त्र नाय देखे, केवल भाव देखे महाराज। भाव के
वश में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, विरथा सकल विधान। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब वीरान, अरे भाव होए तो जित देखू तित, दीखत सुंदर श्याम। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, अरे भाव होए तो पाषाणों में प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान, भाव देखता है। प्रेम से बोलो, उसी भाव से प्रेम है। यूं तो हजारों मंजर देखे हैं हसी मैंने साहब, पर दिल ने सुकून पाया, मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली में। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। तुझे छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, सब कुछ यहीं पे पाया, सब कुछ। सिदामा जी ने कह दिया तो कन्हैया ने कहा केवट बने, बोले पूरी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सिदामा नहीं बदला। सा पार लगाई, सब जानते हैं, हाथ की तकिया लगाई सुदामा जी ने, सोचा अब और नहीं चल सकते हम, लेकिन भोर हुई तो देखा बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। किसी से पूछा, बोले किसी से पूछा कि ये कौन सी नगरी है, बोले ये तो द्वारकापुरी है सा। द्वारका नगरी, मेरे कृष्ण की द्वारका है, बोले हाँ कृष्ण की द्वारका, हमारे कृष्ण की द्वारका। जय विजय
श्री रामा जी को देखा, प्रणाम किया है, प्रणाम, जय हो, प्रेम से बोलो, जय विजय ने देखा तो प्रणाम किया। लोग कहते हैं श्री रामा जी की बेइज्जती करी, गलत बात, झूठ है। जरा एक बात सोचना, श्रेष्ठता के शिखर पर बैठे हुए हम मनुष्य धनान के लोगों में हमारा नाम आ जाए तो दिल्ली के, प्रेम से बोलो राधे राधे, वन ऑफ द पॉश इलाकों में से एक है ग्रेटर कैलाश, हाँ, वहां पर उपस्थित व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए, ये कलयुगी व्यक्ति की बात कह रहा हूं मैं, अपने लिए गाड़ी लेता है। भाई हम जीके में रहते हैं, गाड़ी तो चाहिए, और यहां खुद के उपयोग में आए ना आए लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए तो जरूरी चाहिए, और समाज में प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए ड्राइवर के, गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर लेते हैं। और उस ड्राइवर को ब्लैक सफारी, व्हाइट सफारी पहनाते हैं, टोपी न्यारी देते हैं, महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे, पहनना, और उसको बोलते हैं, सुनो हिंदी में नहीं, मुझे इंग्लिश चाहिए, अंग्रेजी में बात करोगे तो मेरी गाड़ी की चाबी लो, नहीं तो जाओ। कोई आए तो विनम्रता पूर्वक उसे, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज हैव अ सीट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल प्लीज। ये अंग्रेजी बोलनी है, दरवाजे भी तुम ही खोलना, वो खोलेगा तो हाथ में ही आ जाएगा, प्रेम से बोलो राधे राधे, हाँ? इतना सब कुछ सिखाते हैं ड्राइवर को, हम कलयुगी मनुष्य, इतनी इतना अनुशासन, इतना डिसिप्लिन हम सिखा रहे हैं, तो वो ठाकुर जी अपने द्वारपाल की परीक्षा नहीं लेगा क्या, जो अपनी मां तक की भी ले चुका, सोचो आप, जिस ठाकुर जी ने अपने सखा, अपने माता, अपने पिता, अपने नाना, प्रत्येक भक्त की लेता है, वो द्वारपाल की नहीं लेगा, वो भी जय विजय, सात जन्मों तक देवताओं के पद को त्याग कर तीन जन्मों तक दैत्यों के पद को स्वीकार किया, क्यों, गोविंद के पद कमल को पाने के लिए, बोले सात जन्मों तक मुझे देवता बनकर के इंतजार नहीं करना इनकी सेवा का, मुझे तो तीन जन्मों तक दैत्य ही बनाओ, लेकिन जल्दी से जल्द इनकी सेवा में लगाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे, ये जय विजय। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्त्र, रावण, कुंभकर्ण, तीन जन्मों तक राक्षस बन के जय विजय आए, उन्होंने सिद्धामा जी को प्रणाम किया, और सिद्धामा जी बोले मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे दो मिनट अपने महाराज जी का दर्शन कराओ, मैं बड़ी दूर से आया हूं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ कामना नहीं है। जय विजय ने कहा चिंता मत करिए, हम जाते हैं बात करने, मैं उनका सखा हूं, साथ में पढ़ाई करी है हमने, उनको बोलिएगा मेरा नाम सिद्धामा, बोलिएगा समझ जाएंगे, वो खिड़की में से देख ले, मैं देख के चला जाऊंगा, सुनो दर्शन कराए दो मुझे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय विजय, प्रभु भूख पा रहे थे,
किशीश पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही गामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपासन की नहीं क्षामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चो किसो वसुधा बेराम पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनो नाम सुदाम। ओ महाराज हमसे ज्यादा जल्दी तो कन्हैया को थी, वो तो श्री दामा जी के परिचय को सुन के बिना ही समझ गए कि आ गया है मित्र। आहा। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निध रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैन के जल सो पग धोए। खूब कृपा करी। अरे यहां पर यजमान जी आकर के पूजन करे, मेरे प्रभु ने अंक में भरा है श्री दामा जी को, गले से लगाया है महाराज, रोते रोते उनके चरणों को एक बार अपने आंसुओं से धो दिया है। ऐसी भक्ति करी। हा हा गोविंद गोविंद के नाम को गाते श्री दामा जी अरे कन्हैया कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न हो तुम्हारी जगह तुम न पाते जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में हो ती काजत तुम्हारी तो किस दिल में हो
की हिफाजत तुम्हारी कृपा की न हो दीजो तुम्हारी कृपा की न हो दीजो आदत तुम्हारी श्री हरि से है बादशाहत तुम्हारी गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी यार कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी बंधु प्रेम से बोलो श्रीदामा जी को प्रभु ने अपना परम पद सिंहासन प्रदान किया क्या कहे महाराज हमारे प्रभु श्री कृष्ण के परम सखा श्रीदामा एक रात्रि से ज्यादा रुके नहीं एक ग्राम सोना मांगा नहीं मुट्ठी भर जो चावल पोटली में बांध के लाए थे कन्हैया ने ग्रहण किया दो छत्र राज दिया दो मुट्ठी खाके जाने लगे श्रीदामा तो रोके भी नहीं महाराज कन्हैया अच्छा ठीक है जाइए न कन्हैया ने कुछ दिया या न दे पाए क्या देते दे करके कमजोर बना देता क्या उसकी भक्ति को मांगने की गलती वो कर नहीं सकता तो देने की मैं कैसे करूं पहुंचे तो महल बना हुआ श्रीदामा जी ने देखा मेरी कुटिया कहां गई देखा महल है महल में से एक महारानी निकली पूछा भैया हमारा गांव हमारी कुटिया हमारी झोपड़ी कहां है महारानी जी बताइए प्रेम से बोलो राधे राधे श्रीदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला जब श्रीदामा जी द्वारका गए थे तो सुशीला ऐसी थी एकदम महारानी जी से पूछा
हमारी कुटिया कहाँ है? महारानी जी ने कहा कि ये हमें महारानी जी क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं हूं मैं। सुदामा जी तो सोच भी नहीं सकते कि वो इनकी पत्नी है क्या, क्योंकि जिसे छोड़ के गया था वो सूखी काट, वापिस आया तो बटवृक्ष महाराज, हिसाब उल्टा। देखो ये आए और ये न आए, हो ही कौन सके। यहां पे कौन ऐसा आदमी है जो दुबला हो बताओ, प्रेम से बोलो राजे राधे। दो चार जो विशेष लोग हैं जिन पर गोविंद की कृपा है वो दुबले होंगे, जिन पर विशेष कृपा है वो हो नहीं सकते दुबले। दिल वालों का ये शहर, हाँ, प्रेम मस्ती में रहने वाले लोग, लेकिन वो सुशीला संभव ऐसी। बोले महारानी आप कौन? बोले मैं आपकी पत्नी सुशीला। आप गए, कृपा कर दी, कन्हैया ने महल दे दिया। बोले तुम पर खूब कृपा करी, हमारी धोती अभी भी फटी है, अभी तक फटी है। देखो तुम रहो महल में, हमें नहीं चाहिए। जाने लगे तो दौड़ करके महल से कन्हैया ने, सुदामा जी रुक जाइए आप, इस महल से सेवा कीजिएगा। ऐश्वर्य संपत्तियों से घिरे हुए भंडार में भी रह करके आपके हृदय में माया का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय में आपने मुझे जो बसाया है, गले से लगाया मेरे बांके बिहारी लाल ने, मेरे इस तोहफे को स्वीकार कीजिए। तन पवित्र सेवा करिएगा, धन से दान दीजिएगा, मन से मेरा स्मरण जो आप नित्य प्रति करते आए हैं करते करवाते रहिएगा। प्रणाम किया, बोलिए बांके बिहारी लाल। सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, वसुदेव जी ने यज्ञ किया, प्रभु के दर्शन को करने ब्रजवासी गण आए, दत्तात्रेय जी ने यदु जी महाराज को 24 गुरुओं का वर्णन किया, पृथ्वी वायु राकाश अपो अग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधो पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुरोर भक कुमारी शरकृत सर्प उर्ण नाभि सुपेशकृत। चौबीस गुरु बनाए, दीक्षा गुरु होते हैं, पुरोहित गुरु होते हैं और एक शिक्षा गुरु भी होते हैं। ये शिक्षा गुरु कोई भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए, पृथ्वी पहली गुरु है इनकी, सहनशीलता सीखो पृथ्वी से। वायु बह रही है बिना किसी को कुछ कहे, हमें भी सत्कर्म करना चाहिए लेकिन कह करके नहीं। देखो बुरा कर्म हम किसी से कहते नहीं है तो पता चल जाता है कि इसने किया है, और सत्कर्म तुम किसी से कहोगे नहीं तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये इसने किया है। दो बातें, बुरा कर्म हम करते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते लेकिन फिर भी पता चल जाता है, और सत्कर्म को हम कह करके उस कर्म पर प्रेम से बोलो राधे राधे काम खराब कर देते हैं। कहो मत, करते रहो। जाने क्या लोग थे, किस तरह के लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं लेकिन अफसोस है
बंदगी छोड़ दी इस जिंदगी के लिए। दत्तात्रेय जी ने बताए गुरु बनाओ, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेगा। कुमारी कन्या को गुरु बनाया, पिंगला वैश्या को गुरु बनाया, बालक को भोलापन बालक से सीखो, छोटा बालक प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले एक परिवार में पति पत्नी और एक छोटा सा बालक रहता, बालक से क्या शिक्षा मिलती है, उसके बोलेपन की बात। दत्तात्रेय जी कह रहे, बोले पति के पति ने कहा, देवी जी वो हमारे मित्र आ रहे हैं आज दो चार घर पे, हाँ, और बड़े दिनों बाद आ रहे, हम साथ में पढ़ते थे। तो देवी जी ने कहा, तो क्या चाहते हैं आप, मैं खाना बनाऊं? आप हो रहे हैं परेशान, मुझे करोगे आप, बाहर से ले आओ, प्रेम से बोलो राजे राजे। पहले की पत्नियां बोलती थी कि कहां बाहर जाओगे, घर में आओ, मैं पका रही हूं। आजकल परिस्थितियां बदल रही है। बोले बाहर के मित्र है, बाहर निपटो, चलो। तो पत्नी ने कहा कि अब क्या करें, घर में तो अन्न है नहीं, मैं बना नहीं सकती, बाहर से ले आइएगा कुछ। बोले पैसे नहीं है। बोले तो सेठ जी से 5 रुपया उधार ले लीजिए, या 5 दुकान से 1-1 रुपया उधारी में सामान ले आइएगा। पत्नी कितनी चालू होती है, कह नहीं सकते आप, इनकी बुद्धि इतनी तेज। बोले सुनिए, 5 दुकान से 1-1 रुपया का सामान ले लीजिएगा, जो मित्र आएंगे आपके कुछ तो रुपया देंगे ही, बच्चे के हाथ में 5 रुपया तो देंगे ही, आपके जैसे भी होंगे तो भी 5 रुपया तो आ ही जाएगा, और हम चुका देंगे फिर। पति ने कहा कि आ इतनी विदुषी पत्नी मिली है मुझे, इंटेलिजेंट, प्रेम से बोलो राधे राधे, कितना ख्याल रखती है मेरा, इज्जत बचा लेती है ये। बेचारा पति मरता क्या नहीं करता। अब्बा ने कहा कि यो कि 5 दुकानों से 1-1 रुपए के सामान, चूड़ा तो भुजिया तो स्वाली तो पेठा तो जलेबी लेके आ गया, घर में रख दिया। मित्र आए, सब बात कर रहे, पत्नी का ध्यान मित्र के जेब में ही है, प्रेम से बोलो राधे राधे। कब वो निकाल के दे, तुम उधार चुकाए 5 रुपए की उधारी। मित्रों ने भोजन पा लिया और मित्र चले गए, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब मित्र चले गए और पति की खैर नहीं, बुखार चढ़ गया पति को तो, क्योंकि एक तो बिचारी हमारी पत्नी ये सोच रही थी कि वो कुछ देंगे, ये तो बिना दिए चले गए, अब तो फिर सुनाएगी ये मुझे। बोले ये तो आपसे भी गए गुजरे, फिर भी मैंने 5 रुपए की उम्मीद रखी थी, लेकिन ये तो आपके मित्र, तो भैया जैसी संगत वैसी रंगत। अब 10-15 मिनट बाद जो है द्वार पर आवाज आने लगी, द्वार के पीटने की, तो चिल्लम चिल्ली मच रही थी घर में। तो पत्नी गई, पत्नी ने द्वार खोला तो देखा कि वो मित्र 2-4 में से एक जो सबसे एकदम ज्येष्ठ परम सखा परम बेस्ट फ्रेंड, बोले वो गलती हो गई थी हमसे, वो जो भूल गए थे हम, वो जो आए हैं अब इतने दिन के बाद, तो हड़बड़ हड़बड़ में बच्चे को कुछ दिए बगैर ही जा रहे थे, तो बच्चे को जैसे देने को गए तो पत्नी कह रही थी, देखा हम कह रहे थे ना कुछ तो देंगे, काम आया ना मेरी बुद्धि,
लेकिन वो जो मित्र जब देने के लिए गया, वो बच्चा दत्तात्रेय जी बता रहे हैं मैंने बच्चे को गुरु बना के क्या सीखा और हम क्या सीखते हैं, तो बच्चा बोलता मैं नहीं लूंगा, प्रेम से बोलो राजे राजे। अब वो मित्र, अरे आप कहिए ना इनसे ले ले, आप बोलिए ना आप भाभी जी। अब वो माता, बेटा ले ले। तू ही आसरा है, ले ले बेटा ले ले। ओ महाराज, ओ बचना मैं नहीं लूंगा। पिताजी ने कहा अरे लेता क्यों नहीं है, ले ना बेटा ले। ओ महाराज, वो छोटा बच्चा क्या करे, मैं नहीं लूंगा ना, मैं क्यों लूं। मां को तो गुस्सा आ रहा है, बेटा ले लेना प्लीज, सवाल उधारी चुकाएंगे हम। जब 10-15 मिनट रह गए तो तू ले क्यों नहीं रहा है, बोले मैया आपने तो 5 रुपए की कही थी, ये तो 2 रुपया दे रहे हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये देखो सा, ये भोलापन गुरु बना करके सीखा। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन बलराम जी क्षीर में गए, क्षीर सागर प्रणाम करके प्रभु को, और प्रभु भी अब जाने वाले हैं। उद्धव को अंतिम उपदेश दिया, विदुर की याद आ रही है प्रभु को, 125 वर्ष लीला करी, यदुवंशियों की मति मारी गई थी, तो मेरे प्रभु ने वृक्ष के नीचे बैठकर अर्धशयन अवस्था, बैलिये ने निशाना साधा, तीर जाकर सीधा गोविंद के चरणों में लगा है। शरीर से दिव्य ज्योति निकली जो 7 बार आकाश मंडल में घूमकर श्रीमद् भागवत महापुराण में समाई है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। समा गई महाराज। सुखदेव स्वामी कह रहे राजन आपका पहला प्रश्न मुझसे कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है, प्रभु तो चले गए, 7 बार आकाश मंडल में ज्योति घूम करके इसमें समा गई, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न पूछना अनिवार्य है। आपने पहला प्रश्न क्या पूछा था याद करिए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय। तो मेरा एक अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर से पता चल जाएगा कि जिस कथा को मैंने आपके सामने अपनी वाणी से जो परोसाई करी 7 दिनों तक, क्या वो परोसाई सफलता की ओर गई, क्या मैंने सही सतपात्र को इस अमृतमय कथा का रसा स्वादन कराया। पहला प्रश्न तुम्हारा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय, अंतिम प्रश्न मेरा कि क्या तुम मरोगे। अब राजा परीक्षित सदाचारी सम्राट, व्यक्ति जीवन में जो कार्य नहीं कर पाता, राजा परीक्षित ने अंतिम के मृत्यु के समय में उस कार्य को किया। बोले प्रभु जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मर कैसे सकता हूं, प्रेम से बोलो राधे राधे। आत्मा जजानन मरिष्यति नहीं दितैसो नक्षी यते समनविद व्यभिचारिणाम ही, ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये तो शुद्ध चिन्मय मुक्त शाश्वत आत्मा है। और वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, क्या बोलते आप, जिस प्रकार एक
आत्मा एक व्यक्ति पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर की ओर जाती है। न वो गलती है, न वो तपती है, न वो जलती है, न वो मरती है, न उसका पतन होता है। चिन्मय मुक्त शाश्वत। बस मेरी कथा को सुनाना सार्थक है राजन। तुमने गोविंद की कथा को बड़े ही प्रेम भाव से श्रवण किया। प्रेम से बोलो, प्रेम भाव से। सुखदेव स्वामी जाने वाले, जिस कथा को हम लोगों ने बड़े प्रेम से विगत अब 7 दिन कहूंगा महाराज श्रवण किया, खेड़िया परिवार के समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन कि जिस प्रेम भाव से, जिस स्नेहमयी भावना को रखते हुए आप समस्त लोगों ने मुझे ये सेवा सौभाग्य प्रदान किया कि मैं अपनी 48वीं सेवा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। तो बंधुओं, यही प्रार्थना करना आप भी कि हृदय में गोविंद का वास हो। इस वर्ष कथा हुई है तो अगली वर्ष भी कथा हो, आपके यहां बांके बिहारी की कृपा हो महाराज। हा, श्रोता भी यही, वक्ता भी यही, स्थान भी यही महाराज, और कथा भी यही। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये मत मांगना कि फैक्ट्री चले, प्रॉपर्टी चले महाराज। कथा करवाते रहो, प्रभु का नाम गाते रहो, वो सब चलता रहेगा। कथा नहीं छूटनी चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखो आप, अब विशेष कृपा गोविंद की होगी। हाँ, मेरे साथ भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान आप लोग 4 बार कर लो, फिर हम राधा रानी को याद करके आरती गाएंगे और आरती के बाद फूलों की होली बड़े भाव से मनाएंगे। आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणासनम, सर्व पाप प्रणासनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुःख समनः, स्त्वं नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणासनम, सर्व पाप प्रणासनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, स्त्वं नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणासनम, सर्व पाप प्रणासनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, स्त्वं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणासनम, सर्व पाप प्रणासनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, स्त्वं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो। आइए सुखदेव जी मानो जा ही रहे हैं महाराज, प्रणाम कर लो मेरे साथ। राधा रानी के नाम को सभी गाएंगे।
मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मारो पैरो यमुना जीरो सर से परियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मान करो करो जमुना जीरो पानी लागे सर से परोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे राधा गोरी गोरी रावण में धूम मचावे बरसाने की छोरी 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 की रंगीली बस रूप की रंगीली घड़ी प्यारी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों है महान इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण इनका जो कोई लेवे सहारा हो जाए कल्याण और इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण इनका जो कोई लेवे सहारा हो जाए कल्याण रस रूप की रंगीली रस रूप की रंगीली पट रानी लागे पट रानी लागे मन करो जमुना जीरो पानी लागे मीठी रस से भरोरी राधा रानी लागे
महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मुरली में तेरे सुमरे बारंबार नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटिन रूप दे नंद लाला तबहु न पावे पार कोटिन रूप दे नंद लाला तबहु न पावे पार तिन रूप धरे मन मोहन तब न पावे पार तिन रूप धरे मन मोहन तब न पायो पार विषभान की लली तू विषभान की लली तू घनी प्यारी लागे महारानी लागे माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई हरी जी पर जावे भावे राधा नाम मलाई बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई हरी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई हरी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई विषभान की लली तू खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे Thank you.
राधा राधा नाम रचती है जो नरिया ठोया राधा राधा नाम रचती है जो नरिया ठोया राधा दूर करत है राधा राधा नाम की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम की बाधा दूर करत है मुरली मनोहर नाम की बाधा दूर करत है मुरली मनोहर श्याम राधा नाम जिंदगानी लागे माने करो करो तुम जीनो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागी महारानी लागी मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे ना किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे करो लाल किशोरी राधे मेरो करो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे मेरी राधे किशोरी राधे मेरो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे सुखदेव स्वामी प्रस्थान कर चुके हैं। आइए सभी लोग पहले आरती कर लेते हैं हम, फिर आरती के बाद सभी लोग यहीं से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, यहां से आएंगे, यहां से जाके फिर वापस वहीं बैठ जाएंगे, कोई बाहर ना निकले, क्योंकि फूलों की होली बिहारी जी के साथ हम सभी लोग मनाएंगे आज। तो सभी लोगों से निवेदन आरती के लिए स्थान पर खड़े हो जाएं, फिर प्रसाद यहीं से सभी लोग एकदम विनम्रता पूर्वक मर्यादा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके जाकर स्थान पर बैठे, फिर फूलों की होली और दो मिनट यजमान जी कुछ संबोधन करेंगे आरती के पहले। मैं अमित खेड़िया पूरे खेड़िया परिवार की तरफ से आप सभी आने के लिए सबका अभिनंदन करता हूं और कोशिश करता हूं आशा में कोई भी धार्मिक कार्य हमारे परिवार द्वारा करे जाए तो उसमें भी आप इसी तरीके से बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्ने सूर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाकित पुष्पाणि समर्पयामि। आरती के उपरांत भी भक्त यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ पर फूलों की होली का आयोजन अभी यहाँ पर होगा आरती के तुरंत बाद, तो सभी भक्त अभी ना जाएं, आइए आरती में चलें। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्ने सूर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाकित पुष्पाणि समर्पयामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं
आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, मोरे मुकुटी ते शीश पे सोवे, मोर मुकुटी तेरे शीश पे सोवे, हरी भंसी मेरो मन मोहे, प्यारी भंसी मेरो मन मोहे, या भंसी पे मैं तो भले भले जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, प्यास दास के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों के मैं तो शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास